सड़क दुर्घटना में मल्टीपल इंजरी हुए एक 44 वर्षीय पुलिसकर्मी को मीरा रोड के वकाड़ अस्पताल के डॉक्टरों ने नई जिंदगी दी है। वकाड़ अस्पताल के कंसलेट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर गिरीश भाले राव के नेतृत्व में एक टीम ने यह सफलतापूर्वक इलाज किया है। इस इलाज के बाद मरीज फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। धानू में रहने वाले हाईवे पुलिसकर्मी सचिन धनीवीर बोईसर हाईवे ड्यूटी पर थे, तभी अचानक उनका हाईवे पर भीषण अपघात हुआ। इस दुर्घटना में मरीज और सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें कई फ्रैक्चर भी आए थे। यह अपघात इतना भीषण था कि मरीज की दोनों जांघ की हड्डियां फ्रैक्चर हुई थी और आर्म फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन मरीज की गंभीर स्थिति को देखकर डॉक्टर ने उन्हें अन्य अस्पताल दाखिल करने की सलाह दी। वकाड़ हॉस्पिटल में आने के बाद यहाँ के स्टाफ और डॉक्टर गिरीश सर उधर आए थे, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने उसके बाद दूसरे दिन मुझे ऑपरेशन के लिए ले गए। उनका पहले तो मुझे राइट लेग के नी के नीचे जो फ्रैक्चर हुआ है उसका ऑपरेट किया, ऐसे करके दो दिन के बाद फिर लेफ्ट थाई में ऑपरेशन हो गया, उधर का एक हड्डी डैमेज थी वो। उसके 3 दिन के बाद राइट लेग की हड्डी वो भी डैमेज हुई थी, उसको भी ऑपरेशन हो गया। और राइट लेग के जो थाई के नीचे और थोड़ा बैक साइड में मसल्स इंजर्ड हुए थे, वो मसल के फिर शायद डॉक्टर नेहते सर ने ऑपरेट किया था उसको और वो प्लास्टिक सर्जरी करके उसको अच्छा कर दिया है। वकाड़ अस्पताल के कंसलेट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर गिरीश भाले राव ने कहा कि 22 अप्रैल 2022 को आपातकालीन स्थिति में अस्पताल लाया गया था। वैद्य की जांच में पॉलीट्रामा का निदान हुआ। पॉलीट्रामा का अर्थ है कि व्यक्ति को शरीर के कई जगह चोट लगना। तो जब सचिन साहब आए थे तो इनको पॉलीट्रामा यानी दोनों उनकी थाई की बोन जो है उसको फीमर बोलते हैं, इन दोनों थाई की बोन के शाफ्ट में फ्रैक्चर था। जो उनकी राइट घुटने के नीचे का हड्डी होता है उसको टीबिया बोलते हैं, ये प्रॉक्सिमल टीबिया में ओपन वुंड बोलते हैं। ओपन वुंड्स जो फ्रैक्चर होते हैं उनको हम 3 क्लास में ग्रेड करते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो 1 मतलब क्लोज्ड इंजरी होता है, 2 मतलब डिस्प्लेस्ड इंजरी होता है, 3 में वापस 3 टाइप है, टाइप A, B, C। ए मतलब जिसमें कट ओपन वुंड है जो 1 सेंटीमीटर से छोटा है, बी में 1 सेंटीमीटर से बड़ा है लेकिन ब्लड वेसल बोन एक्सपोज्ड है, और टाइप सी में ब्लड वेसल भी इंक्लूडेड रहता है। तो सचिन जी का जो हुआ था उसमें एक डिग्लविंग इंजरी थी जिसमें घुटने के नीचे की जो स्किन होती है, चमड़ी होती है, उसमें कट आके बोन एक्सपोज होके बोन के काफ़ी कुछ टुकड़े हो गए थे। साथ में थोड़ा सा न्यूरोवैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज भी था, एक बाजू से छोटी नस जाती है इसको कॉमन पेरोनियल नर्व बोलते हैं, इस नर्व को थोड़ी सी इंजरी हुई थी। और दूसरी चीज़ है कि इनकी ब्लड वेसल भी थोड़ी सी उसमें दब चुकी थी। तो ऐसे जब पेशेंट आते हैं तो हमको इनको मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू ट्रीट करना पड़ता है, जिसमें हम सिर्फ जो हड्डियों के डॉक्टर नहीं बाकी डॉक्टरों का भी समावेश होता है। तो हमने इनको एडमिट करके पहले स्टेबलाइज करा, जो भी ब्लड लॉसेस वगैरह थे, जो भी हमारे बायोफिजियोलॉजिकल प्रोफाइल को स्टेबल करने का जो कार्य था वो किया ICU में। उसके बाद एक टप्पे टप्पे से हमने इनकी सर्जरी करना शुरू करी। पहले हमने एक पैर का शाफ्ट में इंटरलॉकिंग नेल के द्वारा इनकी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ा लेफ्ट साइड में, तो उनका लेफ्ट साइड क्लियर हो गया। राइट साइड में फिर उनका जो शाफ्ट ऑफ फीमर है उसको जोड़ा, और फाइनली प्लास्टिक सर्जन के साथ मिलकर हमने घुटने के नीचे की जो हड्डी शैटर उसके बाई कॉलमनर प्लेट, क्योंकि हड्डी का जो आकार होता है, फ्रैक्चर का जो एनाटॉमी होता है, उसका समावेश लेके हर फ्रैक्चर एक अलग तरीके का हो सकता है, कोई फ्रैक्चर सेम नहीं होता। उसको ट्रीट करने के लिए जो इम्प्लांट्स लगते हैं, जो प्लेटिंग लगती है, वो भी मीडियल और लैटरल दोनों कॉलम को स्टेबलाइज करने का काम किया। ये खुली हुई हड्डी को जब समेटा गया तो उसमें कुछ गड्ढा मिल जाता है, डेफिसिट फॉर्म हो जाता है, उसे भी हमने बोन ग्राफ्टिंग की मदद से जोड़ा। अभी टेक्निक काफ़ी बढ़ चुकी है, अभी पुरानी टेक्निक की तरह हमें कोई शरीर का ही दूसरे पार्ट से हड्डी लेने की जरूरत नहीं, हमारे पास आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्ट बहुत ईजिली अवेलेबल है। इनका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है क्योंकि हमको कोई दूसरा चीज़ जो इंटैक्ट है उसे हमको नया इंसिजन या कट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस हिसाब से बोन ग्राफ्टिंग किया गया और हड्डी का जो शेप है, आकार है, वो ओरिजिनलिटी पे लाके उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर रीएस्टैब्लिश किया गया। इसके साथ हमारे प्लास्टिक सर्जन थे, हमारे सर डॉक्टर सुशील ने थे, जिन्होंने हमें इस स्किन को कवरेज में मदद करी, वो स्किन ट्रांसफर्स
मायोक्यूटेनस फ्लैप्स में माहिरत रखते हैं, जिनमें उनकी दूसरी शरीर के दूसरे अंग से एक चमड़े का फ्लैप लेके हम उस चमड़े को, उस एरिया को कवरेज कर सकते हैं। कभी कभी अगर हमको वैस्कुलरिटी प्रोवाइड करनी होती है तो बाजू के ही एक पट्टे को हम लोग घुमा कर वो उसको कवरेज देते हैं। तो इस हिसाब से प्लास्टिक सर्जन ने भी हमारी इस चीज़ में मदद करी। उसके बाद हमारे टीम में आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट और रिहैबिलिटेशन के डॉक्टर, जो हमें समय के हिसाब से इनको रिहैबिलिटेशन में मदद करते। कोई भी फ्रैक्चर के बाद जो उसमें मूवमेंट लाने का काम है वो मसल का होता है। तो मसल को सही सही समय पे चेतना देते रहना, उसे किस तरह से मूवमेंट करना, ये उसका दौर शुरू होता है। इसके साथ जो सचिन जी में एक नर्व की इंजरी आई थी उसमें अभी भी रिकवरी चल रही है, उसके हिसाब से हमारी दवाई चल रही है। कंप्लीट इंजरी नहीं थी, थोड़ा इंजरी थी जिसे हमने अपने हिसाब से रिपेयर किया है। लेकिन नर्व की जो तकलीफ होती है वो कभी कभी टाइम लेती है रिकवरी करने को, या फिर कभी होती नहीं है, क्योंकि नर्व इंजरी काफ़ी ग्रेव तरीके की इंजरी होती है। तो स्टिल उन्होंने उस हिसाब से कंट्रोल पा लिया कि आज वो इंडिपेंडेंटली बिना किसी सहारे के या स्टिक सपोर्ट के चल पा रहे। राइट पैर होने की वजह से आई थिंक बाइक भी अभी चला सकते हैं और गाड़ी वगैरह भी चला सकते हैं। तो इस हिसाब से अपना जो पेशेंट, अभी इसमें समझने की ये बात है समय की मर्यादा। ऐसे पॉलीट्रोमा पेशेंट्स होते हैं जो कभी कभी समय के सीमा के अंदर अगर प्रस्तुत ना किए जाए तो कभी कभी चीज़ें कहाँ की कहाँ चली जा सकती है। इसमें कॉम्प्लिकेशन के तौर पे सबसे पहला हम लोग इसको ATLS प्रोटोकॉल के हिसाब से ABC की तरफ से प्रस्तुत करते। ए यानी एयरवे, बी यानी ब्लड लॉस, सॉरी बी यानी ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन। तो फॉर्चुनेटली सचिन जी में ऊपरी हिस्से में इंजरी ना होने की वजह से हमारा एयरवे और ब्रीदिंग ये हमने सुरक्षित ही था। सर्कुलेशन की तौर पे जो ब्लड लॉस होता है या फिर जो भी हमारे ब्लड में से डेफिसिट होता है, उससे डिहाइड्रेशन क्रिएट होता है, दूसरी चीज़ें होती है, वो चीज़ों को इनिशियल फ्रेम में स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जान पे भी खतरा बन सकता है। तो वो हमारे इमरजेंसी में डिपार्टमेंट में ही उसकी ट्रीटमेंट शुरू की जाती है, फर्दर ऑब्जर्वेशन हम लोग ICU में करते हैं। तो जब फिजियोलॉजिकली पेशेंट सेफ होता है तब उसकी सबसे पहले मतलब जान बचती है। लाइफ गेट्स अ प्रेसिडेंस बिफोर लिम्ब, तो पहले जिंदगी बचाना जरूरी है, उसके बाद वो लिम्ब यानी वो अव्यय हमारे शरीर का वो बचाना जरूरी है, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से लिंक होती है। जैसे ही इसके ऊपर हमारा ताबा आ गया, हमने फिर एक एक करके आगे बढ़ी। कभी कभी अनफॉर्चुनेटली कुछ पेशेंट होते जो ऐसे नहीं पहुँच पाते प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर या टर्शरी हेल्थ सेंटर पर, काफ़ी बार ट्रांसपोर्ट कम्यूट है उसमें ही कभी कभी डिले हो जाता है, या कभी उनको सही समय पे सही मदद नहीं, एम्बुलेंस सर्विसेज ना मिलना, या फिर लोगों का उनकी तरफ मदद के लिए भाग के आना, ये सब चीज़ में कभी कभी डिले हो जाती है। और उसकी वजह से हम लोग वो गोल्डन पीरियड जो रहता है हमारा इमीडिएट पॉलीट्रॉमा के बाद वो ज़ाया चला जाता है, और फिर हम लोग काफ़ी हद तक उसको ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन हमारा यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रॉमा प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग के साथ एम्बुलेंसेज के साथ टाई अप है। हमारे पास एज मैंने बताया कि पूरी टीम हमेशा ऑन कॉल ड्यूटी पे रहती है, उस हिसाब से हम हमेशा सज्ज रहते हैं ऐसे पॉलीट्रॉमा पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए। सो कॉम्प्लिकेशंस में ऐसा हो सकता है कि अगर डिले हो गया तो हमको लिम्ब लॉस करना पड़े, एम्पुटेशंस वगैरह करना पड़ जाता है कभी कभी। कभी कभी वो ब्लड वेसल अगर सही समय पर हैंडल ना की गई उसका प्रवाह बंद हो जाता है, और फिर ब्लड वेसल बंद होने पर हमारे पास और कोई चारा नहीं बचता बट एम्पुटेशन करने पर। काफ़ी बार ये एडवांस टेक्निक्स दूसरे सेंटर्स में अवेलेबल ना होने की वजह से भी अप्रोप्रिएट केयर कभी नहीं, हर सेंटर की एक सीमा होती है, एक लिमिटेशन होता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की लिमिटेशन है, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर की लिमिटेशन है। हम बहुत गर्व के साथ बताते हैं कि एज अ क्वार्टरनरी और टर्शरी केयर सेंटर हम सभी चीज़ों के साथ सज्ज है। हमारे पास 24 आवर OT है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, अलग अलग तरीके के औजार है, टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से इवन क्रिटिकल केसेस को हम लोग सही तरीके से समाधान पूर्वक हैंडल कर सकते। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तुषारी प्रसाद है, बुखार हॉस्पिटल मीरा रोड के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट हूँ। इमरजेंसी मतलब आपातकालीन सेवा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में रोड ट्रैफिक डेथ्स बहुत ज़्यादा होते हैं, एक फिगर देना चाहूँगा, 2021 में करीब 1.5 लाख डेथ्स हुए हैं इंडिया में रोड ट्रैफिक डेथ्स में। इसमें से 50% डेथ्स 18 से 35 साल के उम्र में हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सारे यंग एज ग्रुप है, यंग एज ग्रुप मतलब घर के कमाने वाले, घर के यंग लोग की जब मृत्यु होती है तब वो पूरी फैमिली शैटर हो जाती है।
तो एक मेडिकल इमरजेंसी के साथ एक फाइनेंशियल इमरजेंसी भी हो जाती है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम पिछले सालों से ये चलता आ रहा है। इसमें कई कारण हैं, जैसे कि हमारे लॉ एनफोर्समेंट जो हैं, जो सारे ट्रैफिक रूल्स हैं उसको हम पूरी तरह से उसको एनफोर्स नहीं कर पा रहे हैं। ओवर स्पीडिंग एक कॉमन प्रॉब्लम है, ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल और ड्रग एक प्रॉब्लम है, ओवर और कभी कभी नींद आ जाती है। तो ये सब कारणों के कारण रोड इंजीनियरिंग, रोड्स जिस तरह से हमारे डिजाइंड हैं, ये भी कड़ा बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, बॉम्बे अहमदाबाद के 100 किलोमीटर के स्ट्रेच पे लगभग 60 डेथ्स हुए हैं पिछले एक साल में, और ये काफ़ी बड़ा नंबर है। रिसेंटली एक बड़े फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट की मौत हो गई थी, एंड उसमें पाया गया था कि रोड डिज़ाइन और रोड सेफ्टी वॉज अ मेजर कंसर्न। ये सारे केसेस में देखा गया है कि अगर इनको बचाना है तो सबसे पहले आपको लॉ एनफोर्समेंट करना होगा, एक इफेक्टिव लॉ एनफोर्समेंट। उसके बाद आपको एनवायरनमेंट देखना होगा कि मतलब उस जगह का सेफ्टी एनवायरनमेंट रोड डिज़ाइन कैसा है, और ये सब चीज़ एज अ पॉलिसी लगाने के बाद आपको इमरजेंसी सेवा देना होगा। इमरजेंसी सेवा में क्या किया जाएगा जान बचाने के लिए, सबसे पहले आपको एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट आपको उस जगह पर देनी होगी। जब एक एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट उस जगह में पहुंचेगी, तब सुरक्षित तरीके से उस विक्टिम को उसकी गाड़ी से या फिर एक्सीडेंट स्पॉट से बचाते हुए एक कार्डियक एम्बुलेंस में ट्रांसपोर्ट करते हुए एक ट्रॉमा सेंटर में लाना जाना चाहिए। अब जैसा कि आप जानते हैं, बॉम्बे अहमदाबाद हाईवे, ये हमारे दो फाइनेंशियल सिटीज़ हैं, बट इसके बीच में जितने ट्रॉमा फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है हमारे पास। जब मैं कहता हूँ ट्रॉमा सेंटर मतलब इमरजेंसी डॉक्टर, आईसीयू डॉक्टर, हड्डियों के विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, ब्रेन सर्जरी करने वाले, न्यूरोसर्जन, वैस्कुलर सर्जन सो दैट ब्लीडिंग को रोक पाए, जनरल सर्जन सो दैट पेट की सर्जरीज कर पाए, ये जब टीम इकट्ठा होती है तभी लाइफ बचती है। ऐसे नहीं हो सकता है कि सिर्फ हड्डी की सर्जरी है तो उससे आपका काम चल जाएगा, आपको एक ट्रॉमा टीम देना होगा। एंड थैंकफुली बोखाड़ हॉस्पिटल मीरा रोड अपने रीजन में एक एस्टेब्लिश ट्रॉमा सेंटर है। मैं इसको लेवल वन कहना चाहूँगा बिकॉज 24 घंटा यहाँ पे एक ट्रॉमा टीम फैसिलिटी है, एक ट्रॉमा का सेपरेट कोड है और एक SOP बना हुआ है। इसके कारण होता क्या है, जैसे ही पेशेंट आया, जैसे कि इनके केस में हमारे पुलिसकर्मी जब हमारे दरवाजे में पहुँचते हैं तब हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से समय शुरू हो जाता है, हम उसको मिनट वन कहते हैं, और ये हम ट्रैक करते हैं कि पेशेंट आने से उसके जान में उसकी जान खोने की कोई शंका थी क्या। जैसे कि सर ने बताया ABC, ये बड़ा सिंपल टेक्निक है जिसमें हम पेशेंट की सांस लेने की क्षमता, सांस में, छाती में अगर कोई गहरी चोट और ब्लीडिंग लॉस हुआ है क्या, ये हम तीन चीज़ सबसे पहले इंश्योर करते हैं कि इसकी सेफ्टी होगी, तब हम फिर आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। इस सेफ्टी को देखने के लिए आपको एक इमरजेंसी के स्पेशलिस्ट चाहिए आपके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके विशेषज्ञ को फ़ोन करके बुलाना पड़े या फिर किसी और से और जगह से उनका आना हो, उनको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही होना है। दूसरी जो हमारी अच्छी बात है कि हमारा CT scan और MRI बहुत हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट के करीब है। इससे होता क्या है, जब आप एक CT scan कर लेते हो तब आपको जो मेजर इंजरीज है जिसके कारण डेथ्स हो सकते हैं वो आपको पता चल जाता है और आप एक डेफिनेटिव सर्जरी करते हो। दूसरी बात है लाइफ सेविंग इक्विपमेंट क्या लगता है, वेंटिलेटर लगता है आपको, विशेषज्ञ जो पेशेंट के एयरवे को सिक्योर कर पाए ये लगता है। थैंकफुली हमारा ब्लड स्टोरेज जो है वो पहले कुछ मिनटों में ही, अगर ब्लड लॉस हुआ है, अगर पेशेंट का BP लो है तो शुरुआती पलों में ही हम एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू कर देते हैं। इससे पाया ये गया है कि आप बहुत सारी जो जाने हैं वो बचा सकते हैं। बेशक सरकार की इसमें जिम्मेदारी है, इन्फोर्समेंट करना है, एनवायरमेंट करना है, रोड इंजीनियरिंग, रोड डिज़ाइन करना है, बट जो इमरजेंसी केयर है वो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे रीजन में बोखाड़ हॉस्पिटल एक एस्टेब्लिश्ड ट्रॉमा सेंटर बन चुका है। एंड थैंकफुली ये एक लेवल वन सेंटर है जहाँ पे 24 घंटे ये सेवाएं दी जाती है, एंड ऐसे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम दी जाती है। ऐसी कोई स्पेशलिटी नहीं है कि उसके न होने के कारण हमें कभी भी ये कहना पड़े कि यू नो पेशेंट को रेफर करना पड़े। सारा टीम जब एक साथ आता है तभी एक फैंटास्टिक काम होता है, जान बचती है, जैसे पाँव और हाथ बचते हैं और उसके फैमिली पे लाइबिलिटीज कम होती है। कमिंग बैक टू हमारे पुलिसकर्मी के केस में, इनके केस में थैंकफुली जैसा सर ने बताया कमर के ऊपरी भाग में कोई ऐसी गहरी चोट नहीं थी, उनका एयरवे सही था, ब्रीदिंग सही था, सर्कुलेशन में कोई मेजर ब्लीडिंग नहीं थी। बट आप समझ सकते हैं कि सर ने बताया न्यूरोवैस्कुलर मतलब नसों में और उनके खून के बहाव में तकलीफ आई थी। अगर इस सर्जरीज को, जैसा कि सर ने बताया गोल्डन आवर सर्जरी, अगर आप तुरंत ना किए जाएँ तो पाँव का आगे काम करने की क्षमता कम हो सकती है,
तब आप जान तो बचा लेंगे, बट फिर आप समझ सकते हैं कि हमारा टारगेट है कि इनको एक एक्टिव तरीके से हॉस्पिटल से भेजना, हम ये नहीं चाहते कि इनको कोई डिसेबिलिटी हो। तो इस केस में हमने ये पाया कि जान डेफिनेटली कमर के ऊपर कोई इंजरीज नहीं थी, बट अगर होती भी तो हम पूरी तरह से सक्षम हैं। दूसरी बात है कि सर एक फीफा सर्टिफाइड सर्जन है, अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरीज ट्रॉमा सर्जन वो बड़े अच्छी तरीके से करते हैं और उनका रिस्पॉन्स काफ़ी क्विक है। ये सारे जो सर्जन से हमारे आसपास रहते हैं, उनका रिस्पॉन्स एक रियल टाइम फास्ट रिस्पॉन्स है, जिसके कारण आज हम इनको देख सकते हैं। मैं बहुत इनका आभारी हूँ एंड आई गिव हिम द बेस्ट विशेस कि आगे वो अपना एक कॉमन लाइफ जिए और अपने परिवार के साथ कुशल मंगल और स्वस्थ रहें। पुलिस कर्मी सचिन धनीवीर ने कहा कि दुर्घटना के बाद मुझे लगा कि मैं फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मैं एक पुलिस कर्मी हूं, मैं एक लड़ाकू हूं और मैं जल्द से जल्द अपना कर्तव्य फिर से शुरू करना चाहता था। मुझे उम्मीद थी कि मैं इस अपघात से उभर पाऊंगा, इससे मुझे वकार अस्पताल के डॉक्टर ने मदद की है। मैं सभी से सड़क पर गाड़ी सावधानी से चलाने की सलाह देता हूँ। मैं 22 अप्रैल को रात को एक कॉल आया कि मेंढवन गांव के वहाँ उधर एक एक्सीडेंट हुआ है, इसके लिए हम हमारे स्टाफ के साथ उधर गए। उस घटना पर वहाँ पे एक कार का एक्सीडेंट हुआ था, वो कार के एक्सीडेंट में जो इंजर्ड थे दो पर्सन, उनको हमने IRB की एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज दिया। उसके बाद वापस जब हम लोग चौकी पर आ रहे थे, तो चौकी पे आते वक्त तो सोमटा गांव था, सोमटा गांव के पास एक थर्ड लेन पे ट्रक बंद था। वो ट्रक क्यों बंद है, इसके लिए हम लोग ने हमारे स्टाफ के साथ उसको उससे बात की, तो तकनीकी खराबी के कारण वो चालू नहीं हो रहा था। उसके लिए फिर उसको सेफ्टी कोट लगाना जरूरी था, क्योंकि रात का समय था 2 बजे का, कोई आके उसके धड़क जाएगा तो फिर बड़ी घटना घट सकती थी। इसके लिए हम लोग उधर रुक के उसको सेफ्टी लगाने के लिए बोला। सेफ्टी लगाने के लिए फिर वो IRB के जो गाड़ी रहती है उसके अंदर जो बैरिकेड्स वगैरह थे वो आ गई। बैरिकेड्स हम लोग उतार ही रहे थे तभी पीछे से एक ट्रक आ गया, वो ट्रक ने उसको जो बंद था ट्रक उसको धड़क दे दी। और मैं जो सामने साइड में खड़ा था अपने बैरियर के पास खड़ा था लाइट दिखाने के लिए, वो ट्रक ठोकने के बाद जो ट्रक मैं जिधर खड़ा था उधर पे आ गया, उसके बैरियर और ट्रक के बीच मेरे दोनों पैर फंस गए और लगभग मुझे 10 फीट तक वो खींच के ले गए। उसके बाद तुरंत मैं थोड़ी देर में जैसे ही होश पे आया उसमें मैंने चिल्ला के हमारे स्टाफ को बुला लिया, स्टाफ बाकी दूसरे स्टाफ को भी लगा था और धड़कने के कारण जो अंधेरा हो गया था, जैसे ही अंधेरा स्टॉप है मैं मुझे होश आया वैसे ही मैंने तुरंत मेरे स्टाफ को आवाज़ दिया मैं इधर फंसा हूँ। तो मेरे स्टाफ मुझे ढूंढते ढूंढते आगे मुझे उधर से हमारे वैन में बिठा के तुरंत हॉस्पिटल ले गए, वो कासा हॉस्पिटल ग्रामीण हॉस्पिटल। उधर से फिर वो हॉस्पिटल से फर्स्ट एड किया, फिर उनके एम्बुलेंस से हमने ओकाड़ हॉस्पिटल में आ गए। जब शुरुआत स्टार्टिंग में था वो ऐसा लग रहा था कि अभी मैं चल सकूँगा कि नहीं चल सकूँगा, लेकिन डॉक्टर्स ने होप्स दिए थे आप पूरा अच्छे हो जाएंगे और जैसे चल रहे वैसे आराम से चल सकते हैं। ओकाड़ हॉस्पिटल का स्टाफ नर्सेस डॉक्टर्स बहुत कोऑपरेटिव है, अभी भी मैं कभी भी डॉक्टर्स को मैसेज करता हूँ तुरंत रिप्लाई देते हैं, कुछ भी लगा तो मैं उनको पूछ लेता हूँ वो तो मुझे हेल्प करते बता देते क्या करने का। वैसे डॉक्टर्स के लिए बोलूँगा तो मुझे मेरे लिए भगवान ही है जिन्होंने मुझे वो कंडीशन से आज मैं चल फिर सकता हूँ उनके ही बदौलत चल रहा हूँ।